बारिश हो रही है, अच्छा है, बहुत पानी इकट्ठा होगा और मैं कल ही ढोलकपुर में अपने आविष्कार बांटूंगा। बिजली चमक रही है, बादल गरज भी रहे हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। अजीब बात है। महाराज, यही समय है जब ढोलकपुर के लोग खेतों को बारिश के लिए तैयार करेंगे। अगर हम ढोलकपुर के तालाब में मेरा बनाया हुआ विष मिला दें, तो सारे जानवर उसे पीते ही बेहोश हो जाएंगे। जी मंत्री जी। ये लो, इस थोड़े से विष से हमारा काम हो जाएगा। अरे, लगता है वहाँ कुछ हुआ है। चलो, हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या होगा भाई, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? अब कहाँ जाने, मैंने तो सिर्फ तालाब का पानी पिलाया था इन्हें। लगता है इस तालाब के पानी में ही कोई गड़बड़ी है। आप लोग घबराइए नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। चुटकी, हमें जल्दी से प्रोफेसर धूमकेतु को बताना होगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? आप जल्दी चलिए प्रोफेसर, तो हमारे ढोलकपुर पर भारी संकट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्या, तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है। कुछ मिलाया गया, पर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। तब तक सबको बता दो कि तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं जाकर महाराज को खबर करता हूँ। ठीक है। प्रणाम महाराज, दरअसल हम यहाँ पर, हमें कालिया ने सब बता दिया है। अब क्या होगा भीम, अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो? घबराइए मत महाराज, सब ठीक हो जाएगा। मगर कैसे, यानी हमारे किसान बारिश से पहले खेत नहीं जोत पाएंगे और कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होगी? आपको कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर। मेरे पास एक तरकीब है, मैं एक जादुई ट्रैक्टर बना सकता हूँ। जादुई ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर एक बिजुका भी बन सकता है, एक ताकतवर बिजुका जो किसी से भी लड़ सके। तो ठीक है भीम, तुम प्रोफेसर की ट्रैक्टर बनाने में मदद करो। जी महाराज। आचार्य जी, ये क्या? ये हमने ट्रैक्टर बना लिया। चलो भीम, ढोलकपुर वालों ने ट्रैक्टर बना लिया है। तुम सब जाओ और कल की सुबह होने से पहले उस ट्रैक्टर को नष्ट कर दो। ट्रैक्टर की मदद से सारा खेत कितनी आसानी से जुट गया। कल सुबह हम बाकी के खेत भी जोत देंगे। शैतानपुर के सैनिक इसी तरफ आ रहे हैं। जो विष तुमने तालाब में मिलाया था वो मेरे हवाले कर दो। हमारे रास्ते से हट जाओ। हाँ?
गया वो विष जिसकी मदद से मैं इसका तोड़ बना सकता हूँ। इसका मतलब सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। हाँ चुटकी, और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। हमें और तेजी से जाना चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। सोचा ही नहीं। देखो सामने नदी है। सब लोग सुनो, एक दूसरे को कस के पकड़ लो। राजकुमार, तुम्हारा खेल अब खत्म। अब ये राज्य हमारा है। दिखाता हूँ मेरा कमाल। तैयार हो ढोलू भोलू? हाँ उस्ताद। अब देखो कैसे डराता हूँ। राजू जग्गू। मैं हूँ एक खतरनाक राक्षस, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा तो ये लो। अरे अरे बचाओ, मैं देख नहीं सकता। बचाओ बचाओ। अरे अरे बचाओ बचाओ। कालिया नहीं। बचाओ।